हम बनाने वाले हैं मुंह में घुल जाने वाला टेस्टी और सिंपल सा आम का पातोड़ा। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि कितने टेस्टी हमारे ये आम के पातोड़े बने हुए हैं। मैंने इसे अपने घर में सिंपल तरीके से और इजी सिंपल तरीके से बना के रेडी कर लिया है। ऊपर मैं यहाँ पे देसी घी लगाकर इसे खा लूँगी तो एकदम मुँह में बहुत ही टेस्टी लगेगा और एकदम खुल जाएगा। तो चलिए टेस्ट करके मैं दिखाती हूँ आपको। तो खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, बहुत ही सिंपल रेसिपी है बिना किसी देरी के। इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे आम को अच्छे से निकाल करके ले लिया था और इनके छिलके मैंने निकाल करके ले लिए थे आम के। उसके बाद मैं ऐसे मैंने एक छन्नी ले रखा था और आम को ना इस तरीके से कद्दूकस करके ले लिया था। और यहाँ पे मैंने जितने आम मेरे को चाहिए थे उतने मैंने कद्दूकस करके ले लिए हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब साइड में मैंने यहाँ पे गैस पे पैन रख दिया है गरम होने के लिए। अब पैन को हम अच्छे से सबसे पहले गरम कर लेंगे। तो जैसे ही पैन गरम हो जाएगा सबसे पहले अब मैं यहाँ पे इसके अंदर घी डाल दूंगी। घी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसलिए मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ। तो एक चम्मच यहाँ पे घी डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मेल्ट करके ले लेंगे। घी जैसे मेल्ट हो जाएगा इसके अंदर मैं गुड़ डाल दूंगी। आप चाहे तो चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे हेल्दी बनाने की सोच रही हूँ तो गुड़ डालेंगे। तो अच्छे से इन्हें मिक्स करके ले लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ भी जो है अच्छे से पिघल रही है हमारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ जो है ना काफ़ी अच्छे से पिघल चुकी है। और अब मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा डाल दूँगी। यहाँ पे नारियल को मैंने अच्छे से यहाँ पे बारीक पीसेस करके ले लिया है इनको। आप चाहे तो इन्हें कद्दूकस भी करके ले सकते हैं तो हो जाएगा अच्छे से फ्रेश। और ये नारियल बिल्कुल फ्रेश है। तो यहाँ पे अब इन्हें अच्छे से हम मिक्स करके ले लेंगे। अब जो हमने यहाँ पे आम का जूस बनाया है वो मैं यहाँ पे डाल करके ले लूँगी। तो दो चम्मच मैंने यहाँ पे डाल के ले लिया है। अब इसे भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स करके मैं ले लूँगी। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि मैंने जो आम का जो जूस बनाया ना उसमें मैंने बिल्कुल भी पानी वगैरह नहीं डाला है और ना ही कोई इसमें फूड कलर मैंने मिक्स किया है। एकदम नेचुरली मैंने इसको बनाया है और इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया था। अब थोड़ा एक्स्ट्रा टेस्ट आने के लिए इसके अंदर मैं इलायची का पाउडर डाल दूँगी। अब मैं यहाँ पर एक कटोरी कसकस डाल दूँगी इसके अंदर। तो ये भी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करके ले लेते हैं अच्छे से। और यहाँ पे ना कसकस को मैंने डालने से पहले हल्का सा बिल्कुल ड्राई रोस्ट करके ले लिया था इसे। तो यहाँ पे हमारा अंदर का मिश्रण जो है ना वो बन करके रेडी हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे गैस को बंद करके इसे साइड में रख दूँगी ताकि रूम टेम्परेचर पर आ जाए। चलिए इसे साइड में रख देते हैं। अब साइड में मैंने गैस पे एक और पैन रख दिया है और गैस सबसे पहले पैन को ना हम गर्म होने के लिए रख देंगे। अब पैन में सबसे पहले यहाँ पे एक कटोरी पानी डाल के ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे एक चम्मच इसके अंदर देसी घी डाल दूँगी। अब हमने इसमें जो आम का जो रस बनाया था ना हमने वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। थोड़ा सा मैंने बचा के रखा था तो यही मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है आम का रस। अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी। अब मैं यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। अब मैं इसके अंदर चावल का आटा डाल दूँगी। तो ये मैंने ना आटा नॉर्मली घर से बनवाया है तो मैं बाहर से आटा वगैरह नहीं लेके आती। तो मैं आपको इसकी प्रोसेस बता देती हूँ एक बार कि मैंने इसे कैसे बनाया, तभी मैं इसके डिटेल में वीडियो अपलोड करूँगी फ्रेंड्स। तो इसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चावल का अपने घर में जो भी नॉर्मल चावल रहता है ना उसको अच्छे से पानी से पहले वॉश करके ले लिया था और उसके बाद में मैंने उसको फैन के नीचे अच्छे से सुखाने के लिए रख दिया ताकि कोई भी उसके अंदर मॉइस्चर ना रहे। और उसके बाद में मैंने घर पर ही इसे पीस लिया और घर पे ही नेचुरली तरीके से मैंने चावल का आटा बना करके रेडी कर लिया। तो कुछ इस तरीके से मैंने चावल का आटा बनाया। और अभी फ्रेंड्स दो कप इसमें चावल का आटा डालने के बाद में इसे मैं अच्छे से मिक्स करके ले लूँगी।
आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एकदम डो की तरह लग रहा है। अब मिक्स तो करके ले लिया है, 2 मिनट इसे ढक करके ले लूँगी मैं। गैस को लो फ्लेम पे रखा हुआ है और लो फ्लेम पे ही सिर्फ 2 मिनट रखना है, ज़्यादा देर नहीं रखना है। तो 2 मिनट हो चुके हैं, गैस को बंद करके ले लेंगे और अब मैं यहाँ पे इसे निकाल करके ले लेती हूँ। इसे यहाँ पे अब मैं दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करके ले लूँगी, क्योंकि अभी आटा गर्म है तो हाथ जल ना जाए इसलिए मैं मैशर का हेल्प ले रही हूँ हल्का सा इसे गूंदने के लिए। अभी के लिए मैंने इसे अच्छे से मैश करके ले लिया है, ठंडा होने के बाद में इसे अच्छे से गूंद करके ले लेंगे। तो अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे गूंद करके ले लेंगे। अब मैं यहाँ पे ना हाथों को थोड़ा सा घी लगाकर इसे अच्छे से गूंद करके ले लूँगी, ताकि डो जो है ना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सॉफ्ट दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसका कलर भी देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है डो हमारा। तो अभी मैं यहाँ पे ना एक केला का पत्ता ले लूँगी, उसमें अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डाल दूँगी। अब घी को ना यहाँ पे अच्छे से मैं कुछ इस तरीके से स्प्रेड करके ले लूँगी। तो मैंने क्या किया था ना कि एक बड़ा सा पत्ता पहले से लेके आ गई थी मैं, और उसको मैंने अच्छे से पानी से धो करके साफ़ करके फिर उसके बाद मैंने काट करके मैंने ले लिया था सब बारीक पीसेस में। उसके बाद मैं अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना ऐसे एक नींबू के साइज़ जितना लोही है उसको तोड़ करके ले लूँगी, और अब मैं यहाँ पे इसे अच्छे से प्रेस करके ले लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से हाथों से प्रेस करके ले लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर से यहाँ पे अब मैं हाथों पे भी थोड़ा सा घी लगा के इसे प्रेस कर दूंगी कुछ इस तरीके से अच्छे से। ये देखिए मुझे बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मैं इसको अच्छे से प्रेस करके ले रही हूँ। तो अब मैंने ना इसे अच्छे से हाथों से प्रेस करके ना मैंने इसको एक साइज़ दे दिया है नॉर्मल एक पूरी के साइज़ जितना। अब मैं यहाँ पे जो मैंने मिश्रण बनाया था वो भी ये ठंडा हो चुका है, और अब मिश्रण को मैंने एक साइड से अच्छे से डाल करके ले लिया है। अब मैं यहाँ पे ये देखिए इसको कुछ इस तरीके से प्रेस करके कवर कर दूँगी ताकि मिश्रण जो है वो बाहर ना निकले अच्छे से। इसे ना हल्के हाथों से साइड में मैं निकाल करके ले लूँगी, और अभी के लिए मैं इसे साइड में रख दूँगी। और अगर फ्रेंड्स अभी आपके हाथों से नहीं बन रहे हैं ना तो मैं आपको एक नॉर्मल तरीका भी दिखा देती हूँ कि कैसे बनाना है। नॉर्मल हम जैसे बेलन से बनाते हैं ना मैं वैसे आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे मैं देसी घी लगा करके ले लूँगी ताकि नीचे जाके प्लेटफॉर्म पे चिपके ना। उसके बाद में इसे अच्छे से हल्के हाथों से मैं बेल करके ले लूँगी ताकि चिपक ना जाइए। तो ये देखिए अच्छे से चिपक रहा है, सॉरी अच्छे से मैं इसे बेल रही हूँ। तो अच्छे से मैंने ना इसे बेल करके ले लिया है। तो अब मैं नॉर्मल बेलन से भी बेल सकते हैं आप चाहे तो, या फिर हाथों से भी आप इन्हें बेल करके ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने मिश्रण भी भर के ले लिया है, इसको भी हम क्लोज कर लेंगे। ये देखिए तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, तो आप चाहे तो कोई भी तरीका यूज़ करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दूसरा भी बन के रेडी हो चुका है, अब इसे भी साइड में हल्के हाथों से निकाल करके ले लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं बाकी भी इसी तरीके से बना करके रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना एक पतीले में पानी रख दिया है, पानी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर छन्नी रख दूँगी कुछ इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे ना बना करके रेडी करके ले लिया है। अब मैं इसे पत्ते के साथ ही फोल्ड करके इसे छन्नी में रख दूँगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए मैंने पत्ते पहले से काट के ले लिया था, और इनको पत्ते के अंदर ही फोल्ड करके मैं कुछ इस तरीके से छन्नी में रख दूंगी। और फ्रेंड्स अगर आपके पास केले के पत्ते अवेलेबल नहीं होते हैं तो आप यहाँ पे हल्दी के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से अब मैं सारे केले के पत्ते रख दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी भी लगा रही हूँ साथ में। तो अब मैंने यहाँ पे
बना करके रख दिया है इसके अंदर। अब मैं लिड लगा के इसे कुक करके ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बन के रेडी हो चुका है। लिड को अब मैं निकाल करके ले लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे गैस को बंद कर देती हूँ और इसे थोड़ी देर लिड लगा के ऐसे ही इनको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए मैं। तो यहाँ पे देखिए बैच 2 भी मैंने रेडी करके ले लिया है। इन्हें भी अब मैं स्टीम करके ले लूँगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमारा टेस्टी आम का पातोड़ा बन के रेडी हो चुका है। एकदम मुंह में डालने घुल जाने एकदम मुंह में डालते ही घुल जाने वाला हमारा टेस्टी आम का पातोड़ा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही सिंपल था ये रेसिपी और टेस्टी भी है ये रेसिपी। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये देख सकते हैं। और इसी के साथ में मैंने आम रस भी बनाया है। और मैंने ये आम का पातोड़ा बनाने के लिए ना ये दशहरी आम यूज़ किया है। ये आप देख सकते हैं मार्केट में आजकल अवेलेबल है ये। और ऊपर से समर सीज़न चल रहा है फ्रेंड्स, तो आम तो अब हर जगह पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो मैं ये मार्केट से लेके आई थी। तो यहाँ पे आप देख तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना फ्रेंड्स। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ में कल शाम के 6 बजे के वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहे फ्रेंड्स और मस्त रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।